औरत आदमी को पूछता नहीं है आदमी औरत को पूछता नहीं है टीचर टीचर को नहीं पूछता प्रिंसिपल टीचर को नहीं पूछता ये नीचे वाला कोई चर्चा ही नहीं कर रहा क्योंकि सब में होलसेल में भरा हुआ है, हर आदमी कल पे करने पे तुला हुआ है सोसाइटी के अंदर दिमाग और बीच के माफत घुस रहेगा तो इस पर कोई चर्चा होती नहीं है ये तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है और ये तो में होना ही चाहिए तो चर्चा ही नहीं होती इसको उठाना पड़ेगा सोसाइटी वाइड में इसका चर्चा करना पड़ेगा स्कूलों में इसकी चर्चा करनी पड़ेगी और यह हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी सिंड्रोम से हमें निकलना पड़ेगा और अपने को एक बनाना पड़ेगा एक सेवेंटी फाइव परसेंट अपॉर्चुनिटी मंत्र सोसाइटी बनाना पड़ेगा एक ऐसा सोसाइटी एक ऐसा समुदाय जो रिस्क लेने से डरता जो चैलेंज लेने से डरता नहीं है जो करने के पहले अंजाम के बारे में सला पंद्रह दिन सोचता नहीं है और सोचने के बाद गली गली में जाके उसका डर सला फैलाता नहीं है तो हम सबको कंपनी के अंदर रिस्क लेना चाहिए हम सबको ये सेवेंटी फाइव परसेंट को यूज करना चाहिए हम सबको आज से इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए और कैसे करेंगे इसको इंप्लीमेंट वेरी सिंपल यहां से जब निकलोगे सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है हाथ डाल दो उसमें सबसे पहला जो पेंडिंग मैटर था कर डाल आज सबसे पहला जो वो लड़की जिसको आई लव यू बोलने का था साढ़े तीन साल से जो बालकनी में खला है साला सीधा बालकनी से हो स्पाइडरमैन के पर ओ क्या बेच ओ, ओ, ओ फेंक के उड़ी मार के आज बोल डाल मारने दे साली को झापड़ कम से कम दूसरे का सेटिंग तो चालू हो जावे शाम को मैटर आज ही सॉल्व हो जाएगा क्लियर हो जाएगा वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड एट अनदर अपॉर्चुनिटी इफ वी फेल एंड नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर नेवर बी अफ्रेड कितने जो बिजनेसमैन हैं नरेश गोयल जेट एयरवेज का हो या कितने भी बिजनेसमैन है देयर लाइफ इज फुल ऑफ हंड्रेड ऑफ फेलियर्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट नहीं किया जाता हजारों प्रोजेक्ट्स है जो ये बड़े बड़े कंपनियों में फेल होता है महिंद्रा एंड महिंद्रा के हजारों प्रोजेक्ट्स है जो फेल हो गए गाड़ियां जो फेल हो गए किसी कभी किसी का नाम लोगान होता है तो किसी किसी का नाम फोर्ड स्कॉड होता है और कभी किसका नाम वॉयचर होता है ना वॉयचर के बारे में तुमने सुना लोगान भी फेल हो गया फोर्ड स्कॉट भी फेल हो गया बात चर्चा उसकी होती ही नहीं बात स्कॉर्पियो की होती है बात बातलो की होती है और यह बात सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि वी विल बी नोन बाय आवर सक्सेस नॉट आवर फेलियर्स एंड देर फॉर वाई आर वी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स वाई आर वी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क वाई आर वी अफ्रेड ऑफ डूइंग थिंग्स वाई कॉन्ट वी से गुड बाय टू दिस टू इलनेसेस यू you नो, know, so हमें एक ऐसा सोसाइटी एक ऐसा कंपनी बनाओ आपके कंपनी के अंदर 75 फाइव परसेंट अपॉर्चुनिटी मंत्र का बीच डाल दो पहला प्रोजेक्ट से चालू करो और सबसे पहला पॉजिटिव आदमी लोग लो ये 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 ख्याल पे एकदम जल्दी फिदा होके अपने साथ चलने को रेडी है जो ये ख्याल को ही मारने पे तुला हुआ नहीं है तो अगर मुझे लगता है कि मेरे साथ काम करने वाला एक लड़की को अगर मैं ये ख्याल पेश करूं और वो मेरे साथ चलेगी इस ख्याल में तो सबसे पहले मैं उसको यह पेश करना चाहिए और एक प्रोजेक्ट ले लो दो प्रोजेक्ट तीन प्रोजेक्ट ले लो फटाफट फटाफट फटा बच्चों के साथ ये कर लो औरत के साथ कर लो स्टाफ के साथ कर लो अपने जिंदगी में ये सबके साथ करने को चालू करो एंड लेटस क्रिएट ए 75 फाइव परसेंट अपॉर्चुनिटी मंत्र सोसाइटी वेर वी बिकम पावर बिकॉज the rich societies don't have these illnesses. rich societies don't have this illness. only poor and struggling societies have this kind of a problem. ultra-rich businessmen are never afraid. but those who have got limited amount of funds or just a decent income, just a four-bedroom hall, kitchen, bungalow, bungalow, hoga, usko darlakta. and so, my dear friends, my request to all of you, टू गेट ऑन टू दिस पर्टिकुलर सोसाइटी और अंत में टी टी रंगराजन मेरे दोस्त और जो स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं वो हमेशा बोलते हैं उससे मैं अपना टॉक को खत्म करना चाहूंगा वो हमेशा कहते हैं वॉट यू डू ऑन अ डेली बेसिस इवन इन पर डेली बेसिस ये ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो ये अंत का स्लाइड है वॉट यू डू अ डेली बेसिस इवन इन परफेक्टली डन जो भी चीज आप डेली बेसिस पे अगर करेंगे और अगर वह इनपरफेक्टली भी करेंगे इमपरफेक्टली भी करेंगे तो यह दो बीमारियां जिसके बारे में बात कर रहा था ये दोनों को रोज बाहर निकालो और हो सकता है आप एकदम परफेक्टली उसको ना करें लेकिन करो जरूर ये 75 परसेंट की जो कलाकारी है इस पे ध्यान देते हुए इनपरफेक्टली भी हाथ से उसको करने को चालू करोगे इट विल गिव यू फार ग्रेटर रिजल्ट देन वॉट यू डू परफेक्टली बट डू इट ऑन एन इेगुलर बेसिस इरेगुलर बेसिस पे कोई चीज करने से तो अच्छा है इरेगुलर बेसिस पे परफेक्टली कोई चीज करने से तो अच्छा है इरेगुलर बेसिस पे कोई चीज परफेक्टली करने से अच्छा है कि रेगुलरली कोई चीज इन परफेक्टली कर लो कभी कभी एक घंटा योगा करने से तो अच्छा है कि रोज कभी पांच कभी आठ मिनट कभी नौ मिनट कभी पंद्रह मिनट कभी बीस मिनट कभी आधा घंटा कभी एक घंटा कभी डेढ़ घंटा लेकिन कुछ ना कुछ तू कर इन परफेक्टली ही कर लेकिन तू मन में रहना करेगा तो सीधा एक ही घंटा <laughs> फिर एक दिन करता है दो दिन करता है फिर नहीं होता है अपन क्या बोलते हैं रोज करेंगे जितना दिल करेंगे करेंगे लेकिन रोज करेंगे इनपरफेक्टली करेंगे क्योंकि जिस चीज पे अपन इनपरफेक्टली लंबा टाइम तक खेलते हैं ना वो चीज परफेक्शन के तरफ बढ़ने चालू हो जाता है तो अगर ये 75 परसेंट की कलाकारी को भी अगर अपन इन परफेक्टली खेलने को चालू कर दिया इससे ये दो बीमारी 100 परसेंट एक्यूरेसी सिंड्रोम और क्रॉनिक टूमारो सिंड्रोम को बाजू में रख दिया और 75 परसेंट अपॉर्चुनिटी मंत्रा के ऊपर अगर आज से अपन ने ढाई बजे से अगर अपन ने इस पर ध्यान देने को चालू किया तो मेरे ख्याल से एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग अपॉर्चुनिटी को मल्टीप्लाई करने की कलाकारी में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे अपॉर्चुनिटी को मल्टीप्लाई करने की कलाकारी में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे और आज का पूरा कार्यक्रम ही इस बात का था कि हम अपने अपॉर्चुनिटी को कैसे मल्टीप्लाई करें

हंड्रेड के ख्याल से घबराएंगे नहीं और हमें मालूम है कि हंड्रेड के पीछे जाएंगे तो हम खुद चले डर जाएंगे इसके लिए पहला सेवेंटी फाइव को अंदर कर लो पहला चैप्टर पांच चैप्टर छह चैप्टर फिजिक्स का पढ़ के उसको अंदर कर लेते हैं फिर रिवीजन कर लेंगे अगला सेवेंटी फाइव परसेंट फिर रिवीजन कर देंगे अगला सेवन तो फिर रिविजन कर डालेंगे इतना करेंगे कि सला सौ मार्क के पेपर में टीचर इतना खुश हो जावे कि एक दे देवे तो क्यों घबराता है हंड्रेड परसेंट से जबकि वो तो आना ही है वो कहा जाएगी साली हमको छोड़ के अगर हमारे नसीब में लिखा है सौ परसेंट तो वो हा के रहेगा और उसका रास्ता पचहत्तर से शुरू होता है इस खयाल को पेश करने के लिए आज मैंने यहाँ पर आप लोगों को बुलाया तय दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता मच